Assalamu alaikum students, this is Zoha Tabassum, your English teacher. Dear students, today we will do some exercises of chapter number 12, the milkman's cow. Okay students, so let's start. Students, these are your new words. Milkman, mood, middle, refused, policeman, grocer, wrestler, ice cream, paid. तो अब इसके चलिए मीनिंग देखते हैं मिल्कमैन मिल्क मैन मीन्स होता है दूध बेचने वाला यानी दूध वाला जो दूध बेचते हैं ना सेल्स मिल्क यानी जो दूध बेचते हैं हमारे घर जो दूध लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं मिल्कमैन दूध वाला मूड मूड मीन्स होता है मिजाज मूड मीन्स मिजाज इसके बाद मिडल मिडल मीन्स बीच में मिडल मीन्स बीच में रिफ्यूज रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना इनकार करना रिफ्यूज मीन्स मना करना यानी मना किया या इनकार किया ये पास्ट है रिफ्यूज मीन्स मना करना या इनकार करना पुलिस मैन पुलिस मैन तो आप लोग जानते हैं यानी पुलिस वाला पुलिस मैन ग्रॉसर सब्जी बेचने वाला ग्रॉसर मीन्स सब्जी बेचने वाला रेसलर रेसलर मीन्स पहलवान रेसलर मीन्स पहलवान आइसक्रीम ये तो सभी बच्चे जानते हैं तो आइसक्रीम का तो आइसक्रीम ही है आइसक्रीम मीन्स आइसक्रीम और ब्रेड ब्रेड मीन्स होता है विनती करना या गुजारिश करना यानी रिक्वेस्ट करना विनती करना या गुजारिश करना फिर से देखिए मिल्क मैन मीन्स दूध वाला मूल मींस मिजाज उसके बाद मिडल मीन्स बीच में रिफ्यूज मींस इनकार करना या मना करना पुलिस मैन मीन्स पुलिस वाला ग्रॉसर मीन्स सब्जी बेचने वाला रेस्लर मीन्स पहलवान आइसक्रीम मीन्स आइसक्रीम ब्रेड मीन्स विनती करना या गुजारिश करना ओके स्टूडेंट्स this is your next exercise these are your questions question number 1 why did the cow refuse to get up yani cow se kyu kar rahi thi mana kar rahi thi? Nahi uth rahi thi? so the answer is the cow refused to get up because she was in a bad mood the cow refused to get up because she was in a bad mood yani काऊ उठने से इसलिए इनकार कर रही थी इसलिए मना कर रही थी यानी वो इसलिए नहीं उठ रही थी क्योंकि उसका मूड ऑफ था उसका मूड खराब था क्वेश्चन नंबर टू नेम दो नाम लिखिए जिन्होंने काउ को हिलाने में काउ को उठाने की कोशिश की थी यानी काउ को उठाने की किन किन लोगों ने कोशिश की थी आंसर है सबसे पहले कौन आता है मिल्कमैन पुलिस मैन आइसक्रीम मैन ग्रॉसर रिसलर ट्राइ टू मेक द काउ मूव यानी कौन कौन आता है आपको पता है ना तो सबसे पहले मिल्क मैन आता है फिर पुलिस मैन आता है फिर ग्रोसर है रेस्लर आइसक्रीम ये सारे लोग क्या करते हैं काउ को उसकी जगह से हटाने की कोशिश करते हैं बीच बीच हटाने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री फाइनली मेट द का ग्ड हाउ तो फाइनली कौन काउ को उठाता है उसकी जगह से और कैसे यानी फाइनली काउ को कौन रोड पे से हटाता है बीचो बीच से और वो कैसे हटा लेता है फॉर द आंसर इज A A a a little boy finally made the cow get up. A little boy boy finally the 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 cow 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 get get up. up. He He gave sheaf sheaf of of tasty green grass. He gave the cow a of tasty green green grass. grass. जो छोटा सा बॉय रहता है छोटा बच्चा रहता है वही finally cow को उठाता है यानी वहाँ से हटाता है और वो कैसे हटाता है वो इस तरह से हटाता है कि वो cow को एक मतलब बंडल टेस्टी ग्रीन ग्रास देता है यानी हरी घास देता है जिसको वो खाती है तो फिर उसके बाद उठ जाती है और वो साइड में चली आती है इसका आंसर क्या है? अ लिटिल बॉय फाइनली मेट द गिव द ऑफ टेस्टी ग्रीन ग्रास स्टूडेंट्स डेट्स एन फॉर्टे आई होप दे दिस इनशाला